तो एक नए ब्लॉग के साथ हम फिर से वापस आ गए हैं। तो हम आज से हिंदी ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि गुजराती तो सबको समझ नहीं आता है, हिंदी बट गुजराती को समझ आ जाता है। तो हम आज से हिंदी ब्लॉग बनाएंगे। तो आज नए ब्लॉग के साथ हम वापस आ गए, काफ़ी टाइम के बाद एक नया ब्लॉग लेके आए। तो हम अभी अहमदाबाद रिवर फ्रंट पे आए हैं। तो मैं हम आपको दिखाते हैं, हम रिवर फ्रंट पे आए हैं। तो यहाँ पे साबरमती नदी है, उसके बीच में रिवर फ्रंट है। सभी लोगों ने नहीं देखा होगा, गुजराती लोगों ने देखा है। तो देखिए, हम मैं आपको रिवर फ्रंट दिखाता हूँ। तो ये है ना साबरमती नदी है, वहाँ पे नाश्ता वगैरह मिलता है। तो ये रहा रिवर फ्रंट, ये रिवर फ्रंट है, ये साबरमती नदी है। नदी के बीच में बनाया है रिवर फ्रंट। यहाँ पे मूवीज रिलीज होने वाला है शायद, ऐसा सुना है हमने। तो रिवर फ्रंट पे अभी क्या है कि ज़्यादा धूप है, तो हम वहाँ पे ऊपर नहीं गए हैं। वहाँ पे ऊपर जाने का टिकट लगता है, शायद 25-30 रुपये टिकट है। तो क्या धूप की वजह से ऊपर कोई दिख तो नहीं रहा है, देख सकते हो आप, काफ़ी लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो रात को इधर देखने लायक नज़ारा रहता है। इधर अभी पब्लिक ने रात को इधर है ना पूरे ब्रिज में लाइट रहता है, मतलब पूरा जगमगाता रहता है। ऊपर सॉन्ग वोंग बजते हैं और अहमदाबाद की पब्लिक इधर रात को घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे साइकिल वगैरह है, यहाँ पे साइकिल भी मिलती है। तो क्या है कि साइकिल लेके हम घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। अभी तो हम इधर धूप नहीं है, तो ये पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे। तो मित्रों, तो हम अभी निकल गए हैं रिवर फ्रंट से बाहर जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं अब अटल ब्रिज, अभी थोड़ा पब्लिक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ऊपर। अब देख सकते हो पब्लिक आ गया है थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम जा रहे हैं अटल ब्रिज के नीचे, हम आए हैं ना, नीचे वाला भाग है ये ऊपर जाता है इधर। यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह दिख रहा है आपको, ये अटल ब्रिज यहाँ से शुरू होता है। गजब का बनाया हुआ है नरेंद्र मोदी साहब ने। तो हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। ये पूरी साबरमती नदी है, मतलब यहाँ पे है ना क्या है कि अंदर सबमर्सिबल कुछ ऐसा चलता है कि जो कचरा वगैरह है वो सब साफ कर लेते हैं। बोट चलती है अंदर, तो कचरा साफ करती है पूरे दिन इधर अंदर। सब लोग कचरा वगैरह आता है तो सब साफ कर लेते हैं। इधर से भी ऊपर जाते हैं और यहाँ से भी हम ऊपर जा सकते हैं। ये सीढ़ियाँ है, तो आप देख सकते हो अटल ब्रिज काफ़ी बढ़िया है ना। अटल ब्रिज मतलब क्या इंजीनियरिंग काम करके बनाया है, आप देख सकते हो पूरा अहमदाबाद यहाँ से दिखेगा। दिख रही है साबरमती नदी, बहुत बड़ी है। एरा अटल ब्रिज काफ़ी बड़ा है, देख सकते हो आप, पब्लिक है उधर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब मिलता है, चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ। पब्लिक रहती है पूरा नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न, अच्छा आइसक्रीम बहुत अच्छा है ना। खाना है किसी को? तो अभी हम इधर कैंडी खाएंगे, आइसक्रीम है वगैरह तो मैं खाने वाला हूँ। आइसक्रीम वैरायटी अलग अलग है, पाइनएप्पल है, चॉकलेट है सब। तो हमने अभी एक मैंगो डोली और चूली डार्क चोको ले लिया है, तो हम अभी ये खाएंगे। ये नज़ारा है, लोकेशन देख सकते हो, यहाँ से हमने ये चॉकलेट लिया है। कौन है, किसी को खाना है तो बढ़िया वाला, ये देख सकते हो अच्छा है।
तो अब हम जा रहे हैं गांधीग्राम रेलवे स्टेशन। मित्रों झाड़ वगैरह अच्छा है, देख सकते हो आप। पानीपुरी झूमर बूमर मिलता है इधर, देख सकते हो आप। यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं भाई, तो आप ये देख सकते हो हाईवे है। तो हम रोड अभी क्रॉस कर लेंगे, अभी ट्रैफिक ज्यादा है, सब गाड़ी आ रही है। गाड़ी जाने के बाद हम उस तरफ चले जाएंगे, तो जल्दी से यहाँ से तो नहीं जा सकते, बस पहुँच जाएंगे हम। चलो आगे से जा सकते, चलो आगे आगे। तो आप लोगों ने रिवर फ्रंट देख लिया है, तो ये रास्ता है, हम यहाँ से गांधीग्राम जाना है और गांधीग्राम से इधर आना है, तो हम ये रोड क्रॉस करके आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते वहाँ पे ऊपर से ब्रिज के इधर आ सकते हैं। तो चलो जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं। ये नज़ारा अच्छा है, देखो वाव, अच्छा नज़ारा है दोस्त। आए कभी रिवर फ्रंट की मुलाकात करिए। काफी अच्छा नजारा है, आप देख सकते हो मित्रों। तो हम अभी सोच रहे हैं वीएस हॉस्पिटल से बीच में घुस के चले जाते हैं, क्योंकि ये लंबा जाना पड़ेगा हमें, वहां आगे तक जाना है, तभी वहाँ जाके हम राइट मुड़ेंगे, तब हम एलिस ब्रिज पे पहुँचेंगे। बट वहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ नहीं, वहीं पे चले जाते, वही अच्छा रहेगा ना। ये वीएस हॉस्पिटल का गेट है, ये वीएस हॉस्पिटल है, ये वीएस हॉस्पिटल बहुत बड़ा, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं ना, ये रहा, ये है वीएस हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छा है बड़ा। यहाँ पे काफ़ी डॉक्टर्स कनाडा अमेरिका से आते हैं सारवार के लिए, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है ना। अच्छा बैकग्राउंड भी देख सकते हो मित्रों आप। अभी ना हमें नहीं इसके मतलब ये गेट से जाते ना तो आगे वाले गेट पे निकल जाते, बट क्या वो ही लंबा पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से ही चले जाते, ये अच्छा रहेगा ना। बीच में घुस के जाएंगे, फिर एलिस ब्रिज जाएंगे, उससे अच्छा तो यही अच्छा है ना। स्पेशली ब्लॉग उतारने के लिए आए थे हम, ब्लॉग बनाने के लिए रेस्टोरेंट, सोचा आज अच्छा वीडियो बनाते हैं, काफी टाइम से न्यू वीडियो नहीं आया है, तो सोचा कि आज रिवर फ्रंट अटल ब्रिज के वहाँ जाके ना थोड़ा वीडियो उतारते लेके आते आपके लिए। तो हम आ गए थे वहाँ पे, देख सकते हो आप वीएस हॉस्पिटल बहुत बड़ा है भाई, तब जाएंगे वहाँ पे। और काफ़ी हरा भरा लोकेशन है अहमदाबाद में, ये रिवर फ्रंट जाने वाला रास्ता तो अच्छा दिख रहा है ना, देखो ना झाड़ पेड़ पौधे अच्छी हरियाली दिख रही है आपको, ग्रीन ग्रीन सिटी बोल रहे हैं यार, ग्रीन सिटी तो यहीं पे दिख रहा है, गांधीनगर जैसा ही मतलब वैसा है, यहाँ पे देख सकते हैं ना। हाय मैना मैना,
एलिस ब्रिज पहुंच गए, तो देखिए एलिस ब्रिज आ चुके हैं। ये होटल है, यहाँ से सीधा जाना है ना, तो गुजरात कॉलेज निकलेंगे यहाँ से सीधा। ओरेरा एलिस ब्रिज, ये जो है ना वो एलिस ब्रिज है। ये पालड़ी जाएगा सीधा, सरखेज जाना है तो इधर से जाएंगे। ये गांधीग्राम जाना है हमें। ट्रैफिक बहुत है, सिग्नल अभी खुला हुआ है। तो ये जमालपुर जाता है ना, और ये एलिस ब्रिज के नीचे से जाके हम उधर चला जाते हैं। ये है पुलिस स्टेशन। इतनी सारी बाइकें पकड़ के रखी है पुलिस वालों ने। एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन। ट्रैफिक देख सकते हो आप, सिग्नल खुला है तो ट्रैफिक बहुत है। यहाँ हम कैसे रोड क्रॉस कर सकते हैं ना, ट्रैफिक तो देख सकते हैं आप। तो सिग्नल बंद हो चुका है, तो सिग्नल बंद हो चुका है, तो सब गाड़ी वगैरह सब रुक गया है। ये रहा एमजे लाइब्रेरी, आ गए हैं हम। इस साइड का ट्रैफिक खुल गया है, तो अभी उस तरफ जाने में दिक्कत रहेगा। इस तरफ तो हम आ चुके हैं, ट्रैफिक। चलो फिर भी निकल जाते हाथ दिखाते हुए धीरे धीरे करके। नहीं निकलने देंगे, निकल जाएंगे ना। चलो रोड क्रॉस कर लिया है, एमजे लाइब्रेरी पहुंच गए हैं हम। शेठ माणेकलाल जेठाभाई पुस्तकालय, ये है एमजे लाइब्रेरी कहते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट लोग अभी इधर पढ़ाई करने आते हैं। और सामने पतंग होटल दिख रहा है, पतंग होटल के सामने। तो हम पहुंच गए हैं एलिस ब्रिज, अभी इधर गांधीग्राम जाएंगे। ट्रेन में बैठ गए गांधीग्राम रेलवे स्टेशन पे, तो अभी एक ट्रेन आई है मालगाड़ी लेने के लिए। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि ये देखो ट्रेन आई है ना अभी, तो ये इंजन जोड़ रहे हैं और इसमें से है ना वो मालगाड़ी है। पीछे देख रहे हो आपको, ये यहाँ पे इंजन देखो जोड़ रहे है ना, तो अभी लेके जाएंगे। और ये भी है गांधीग्राम रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हो ना गांधीग्राम रेलवे स्टेशन। तो मैं अभी ट्रेन में आ चुका हूँ मित्रों। तो अभी ट्रेन खाली है पूरी, कोई नहीं है ट्रेन में। थोड़े थोड़े बैग वगैरह रख के सब भाग गए हैं। इस तरफ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म।
आगे बहुत दूर तक पब्लिक बाहर ही दिखेगा आपको, मैं दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे पूरा पब्लिक रहता है। ये देखो कहाँ दिख रहा हूँ, ऊपर मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो का है, ऊपर से मेट्रो जा रही है। तो ये पूरा ट्रेन पब्लिक हो जाएगा 4 बजे, 4, 4:30 बजे ट्रेन इधर से रवाना होती है तो भावनगर के ओर, भावनगर लास्ट स्टॉप है। तो अभी हम बैठ गए हैं ट्रेन में, देख सकते हो ना गाइस, देख सकते हो ऐसे बैठने का, ऊपर सोने का ऐसे बैठने का रहता है ना, एक डब्बे से दूसरे डब्बे हम जा सकते हैं। दिखाता हूँ आपको, चार्जिंग की भी सुविधा देते हैं। देखो हम आ गए हैं दूसरे डब्बे से, इंजन है इधर, ये रहा इंजन ट्रेन का, और ये डब्बा जुड़ गया तो अब ये ट्रेन निकलेगी। तो चलो मिलते हैं हम आगे, थोड़ा ट्रेन निकल गया तब दिखाते आपको, तो तब तक आप वेट करिए।